हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे रेगुलर चाय, जो हर घर में बनती है। बहुत ही इजी स्टेप से हम बनाएंगे। बहुत से लोग डेली रूटीन में पी जाने वाली चाय भी अच्छे से नहीं बना पाते, इसलिए कि वो क्वांटिटी नहीं अच्छे तरीके से लेते चीज़ों की। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कितनी क्वांटिटी लें चीनी की, पत्ती की और दूध की, कि हमारी चाय जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने। जब भी आप चाय बनाएं तो आप दूध और पानी की क्वांटिटी माप कर अच्छे से कप से, तो फिर आप बनाएं, तो फिर आपकी चाय जो है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चाय की पत्ती मैंने ली है 1 टीस्पून, शुगर मैंने ली है 2 टीस्पून, 1 कप दूध मैंने लिया है। मैं 1 कप चाय बना रही हूँ। तो देचकी में मैं ऑलरेडी 1/2 कप पानी डाल चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तब फ्लेम ऑन कर लेते हैं हम। 1 कप चाय के लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है और 1 कप दूध लिया है, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय बनाऊँगी और हम ज़्यादा दूध की चाय पीते हैं, इसलिए। अगर आप कम दूध की चाय बनाना चाहते हैं तो आप 1/2 कप पानी और 1/2 कप दूध ले सकते हैं। तो पानी में बॉयल्स आना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम चाय की पत्ती और शुगर दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। तो मैंने डाल दी हैं। पानी को हम चाय की पत्ती में और शुगर में 1 मिनट तक बॉयल आने देंगे हाई फ्लेम पे, ताकि इसका कलर अच्छे से निकल जाए। तो ये हो चुका है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। तो जी, चाय में बॉयल आ गया है। अब हम इसको इस तरह इस पोजीशन पे हिलाएंगे और तकरीबन हमने इसको अब मीडियम फ्लेम पे कर देना है, और इसको तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मिक्स करना है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह बनाकर, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुगर और चाय की पत्ती आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग शुगर बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, तो इसलिए आप इसको अपने हिसाब से डालें। मैंने बड़ा मग लिया था, क्योंकि मैं बड़ा मग एक चाय का बना रही हूँ। अगर आप छोटा मग बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से पानी डालें, दूध डालें, उसके अंदर माप कर अच्छी तरह से, तो फिर आप बनाएं। क्योंकि अगर आपको 1 कप चाय की ज़रूरत है तो बाकी सारी वेस्ट जाएगी, अगर आप सारी चीज़ें जो हैं वो माप कर नहीं डालेंगे तो। तो इसलिए चीज़ उतनी बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। तो जी, चाय हमारी रेडी है। अब हम स्टेनर की हेल्प से इसको स्टेन कर लेते हैं कप के अंदर। तो देचकी को आपने थोड़ा सा ऊपर रख के डालना है, इस तरह से नज़दीक रख के नहीं डालना। ये देखिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई। मैंने अच्छी तरीके से इसको माप के सारी चीज़ें तो फिर डाली थी। तो ये देखिए, चाय का कलर देखें आप, कितना अच्छा है। जैसे आप बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल वैसा कलर आया है इसका, और बहुत ही अच्छी चाय बनी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो
तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।